गुड इवनिंग, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। ये है त्रिनाथ मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव भी माना गया, लेकिन रात को हुआ इसलिए हम देख नहीं पाए। हम शाम को ही गए थे देखने के लिए, तो उधर सब कुछ रेडी कर रहे थे और पूजा स्टार्ट करने के लिए अभी बाकी है टाइम, तो हम जा नहीं पाएंगे रात को। ये है पंडित जी, हम पूजा करके खाली चले आए। और ये है कृष्ण भगवान का झूला, देखिए उनका बर्थडे के लिए चारों तरफ बैलून लगाया गया है। पंडित जी बोल रहे थे अभी टाइम है पूजा में, अब बाद में आइए बोल के। तो चारों तरफ ये है, उनके मंदिर के सामने ही एक ठो स्टॉल है फूल उल का, और सामने देखिए केला उला फल उल सब मिलता है। आप अगर आइएगा तो वहीं पर सब कुछ खरीद के यहाँ पूजा कर सकते हैं। और सामने से ऐसे दिखता है। वहाँ से फिर निकल कर चले गए रेलवे हॉस्पिटल के पास है, जो सी सेक्टर बोलते हैं, उधर शिव मंदिर है, वहीं पर भी जन्मोत्सव माना गया था और उधर भजन कीर्तन भी हो रहा था, इसलिए उधर भी चले गए। देखिए कितना सुंदर सजाया गया है, लाइटिंग फाइटिंग सब चारों तरफ। उधर अभी पहुंच गए, ये सामने का गेट है। और उधर चल रहा था वो जो राम नाम लेते हैं, वही चल रहा था। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे भजन हो रहा था उधर। ये फ्रंट है, आदमी लोग सब जा रहे हैं उधर मंदिर के अंदर। इधर भी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्चुअली में 12 बजे होता है जब भगवान जी जन्म होते हैं। पहले हुए थे मतलब, तो उसी के चलते वही 12 बजे पूजा होता है। तो सब आके वहीं बैठ गए थे, कोई कोई ऐसे पूजा करके चले गए थे, तो उधर पूजा सामग्री सब रेडी करके थे। जो जो मतलब उपवास करेगा वही 12 बजे पूजा करेगा। हम ऐसे ही खाली पूजा करके चले आए देख के। और इधर भी देखिए बैलून फैलून सब चारों तरफ लगा हुआ है। और ये है भगवान का, ये बच्चे लोग भी थे उधर। कीर्तन एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।